देखिए मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ साहब, लाशें पड़ी हुई है जमीनों के ऊपर, उनको पलंग नहीं है रखने के लिए, डॉक्टर लिमिटेड है, इलाज कर रहे हैं, पेशेंट चिल्ला रहे हैं कि हमारे को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं देख कर आया हूँ मेरी आंखों से। और जिस कोई भी इस चीज का जिम्मेदार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, रेलवे प्रशासन हो, या जो भी जवाबदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, FIR रजिस्टर करना चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और बात यही नहीं रुकती, 5 लाख का मुआवजा देने से किसी की जान तो वापस नहीं आ जाएगी। जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिस पत्नी ने अपना पति खोया, वो तो वापिस नहीं आएगा ना। तो आज सरकार को जितनी भी मुंबई के अंदर इस तरह के फुट ओवर ब्रिजेस है, जो ऐसा लगता है कि डिलिपरेट है, जहां पे लोगों का आवाजाही है, इमीडिएटली देखिए टेंडर प्रोसेस आप 10-10 साल करते रहिए, मगर इमीडिएटली रिपेयर वर्क चालू करना होगा सरकार को। हमको बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, मुंबई कर को रोज जो ट्रेवल करता है ट्रेन से, आपके मेरे माँ बहन हम जो ट्रेवल करते हैं, हमको जरूरत है सुविधा की, ट्रेनों में प्लेटफॉर्मों में सुविधा की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि इतने साल में पैसेंजर के सेफ्टी के लिए क्या बजट एलोकेट किया है इन लोगों ने, बताइए मुझे। आप लोग हमसे सवाल करते ना बार बार, कुछ एलोकेट नहीं किया है। इसलिए आज पैसेंजर बेचारा घर से निकलता है सुबह काम पे जाने के लिए, दशहरे के लिए फूल लेके जा रहा है आदमी, और उसका इस तरह से स्टैम्पेड में जान चले जाती है। तो मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ कि इमीडिएट हाई लेवल इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो कोई भी इन्वॉल्व है इसके अंदर प्रशासन का, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, 304 कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन लगाया जाए नॉन अवेलेबल, और इमीडिएट जितने भी इस तरह के फुट ओवर ब्रिजेस है उनका काम शुरू फौरी तौर पे होना चाहिए, और जल्द से जल्द काम चालू करके खत्म करना चाहिए, फिर बुलेट ट्रेन बनाओ, पहले पब्लिक की जान बचाओ। लेकिन जो लोगों में